दादा लोग लाज या आलोचना के भय से कभी भी अपने डैश मंतव्य या डैश को नहीं छोड़ते थे। बाबा क्या नहीं छोड़ते थे? हाँ अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इसमें शायद कर्तव्य और धर्म हो सकता है, हो जी। सकता है। और तीन है डैश। है दो बाकी क्या है? आइडिया यही था दीदी। जी। आप तो दादा लोग लाज या आलोचना के भय से कभी भी अपने नियम मंतव्य या पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते थे। बाबा अपने नियम पे और पुरुषार्थ पे, इसलिए हमने कहीं देखे ना कि भले वो किसी उनकी बेटी की भी शादी में भी वो ऐसा श्री बहुत ही सात्विक ऐसा रहता था, और जो गिफ्ट्स भी देते थे उसमें बाबा ने श्रीमद् भगवत गीता भी दी थी। तो उनका नियम और पुरुषार्थ वो कभी नहीं छोड़ते थे। अच्छा, बाबा के मन में सदा डैश बनी रहती थी क्या? बाबा के मन में क्या सदा रह रहा है? कैसी? बहुत इजी है। बाबा के मन में क्या रहता था सदा? अच्छा ईश्वरीय हाँ क्या? ईश्वरीय लगन। ईश्वरीय लगन और अहम। क्या रहम? हाँ अच्छा, तो बाबा के मन में सदा, बहुत इजी था। और एक गेस करना है किसी को? रहम और रुहाग। रहम और रुहाब। सदा कल्याण की भावना रहती है ना बाबा के मन में? कैसे रहती थी वो? आप सभी ने आंसर्स राइट ही दिए हैं। सदा कल्याण की भावना है। अच्छा, दादा बाल्यकाल से ही डैश के अनन्य भक्त थे, ये सभी को आना चाहिए। विष्णु भक्त। विष्णु के भक्त थे। अच्छा, एक्यूरेट क्या है? उसके नाम क्या? नारायण। नारायण नारायण। हाँ, तो बाबा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के भक्त थे। अच्छा, यह जीवन कहानी क्या है? अद्भुत अद्भुत तो है ही, पर हमें क्या सिखाता है? परिवर्तन परिवर्तन करने वाली, जीवन को पलटाने वाली, जीवन को पलटाने वाली। जीवन को पलटाने वाली है। तो बाबा ने इसका उत्तर दिया है बुक में ही कि यह नर से नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ते बनने का एक मनोहर वृत्तांत है ना? बाबा कैसे मनुष्य से फरिश्ते देवता बनने का ऐसा मनोहर वृत्तांत है। तो ये जीवन कहानी क्या है, इसका उत्तर था। अच्छा, आगे देखते हैं। बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, किसको पता? हैदराबाद सिंध, अठारह सौ छिहत्तर में, 18,076। और थोड़ा और, जरा मोर गेस इज वेरी क्लोज बट नॉट एक्यूरेट। कहा हुआ था? बाबा की बुक पढ़ रहे हैं ना हम सभी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नहीं, राइट नहीं। सभी के गेसेस राइट है, नो डाउट। तो बाबा का जन्म जो है वो 1876 में सिंध के कृपलानी कुल के एक वल्लभाचारी भक्त में यहाँ हुआ था। ठीक है, 1876 में हुआ था सिंध में, कृपलानी कुल के में। अच्छा, अभी मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है। दादा की बहू कौन थे?
ओके, चाचा के नाम क्या था, फिर युगल का नाम, और उनके फिर लौकिक पुत्र का नाम क्या था? हाँ दादी वो दादा की बहू थी, बहुचंद चाचा नाइस थे, जसोदा नाइस। युगल चाचा का का नाम नाम था और यशोदा युगल नारायण का नाम लौकिक था। पुत्र था। राइट राइट राइट। और पुट्टू किसका नाम था फिर? मैंने यहाँ पे लिख, लौकिक पुत्र नारायण। हाँ लौकिक पुत्र नारायण का नाम था। यस ओके। और लौकिक मतलब पुट्टू जो है वो उनके लौकिक पुत्री का भी नाम था, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। उनकी कभी बेटी का नाम दी पुट्टू। हाँ एक्चुअली हिंदी हिंदी लोगों में पुत्रा पुत्री बोलते हैं, प्यार से ऐसे। पुत्र को पुत्रा बोलते हैं, पुत्री को पुत्री बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। ओके सो दादा के बहू का नाम क्या था? बृजेंद्रा जी, है ना। उनका लौकिक में राधे का नाम था ऐसे। चाचा का नाम जो था वो मूलचंद आजवाला था, और जो कि कौन थे वो हाथी दांत के व्यापारी थे, है ना। और अभी उनके लौकिक पुत्र का जो नाम था वो था नारायण। युगल का नाम था जशोदा जी, जो कि ऑलराउंडर दादी के नाम से जाने जाते। ठीक है बोलो सिस्टर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी। दादा की दूसरी डॉटर भी थी राइट, यस उनका नाम और उनका कुछ कुछ यज्ञ में कुछ आता नहीं है उनके बारे में? नहीं वही है पुट्टू जो नाम है ना प्यार से, बट उनके बारे में कुछ लिखा तो नहीं अभी तक, पढ़ा नहीं, आगे होगा तो मे बी। पर निर्मल शांता लेकिन जी है ना, बड़ी हाँ पुत्री वो उनका है। वेश, या लेकिन वो दूसरी हाँ डॉक्टर थी, वाशी सरेंडर। शी वॉज उनका नाम क्या था? निर्मल शांता जी ना। नहीं वो नहीं, दूसरे वाले। अच्छा नहीं नहीं वो नहीं थे। ठीक है। नहीं, पर मैं एक बात हाँ कर सकती बोलो हूँ? ना, नहीं मैं बोलिए बोलिए। उन्होंने इनकी एक बेटी की शादी इन्होंने की थी बोधराज जी से, जो कि बहुत रिलीजियस माइंडेड थे, जो हाँ वो इन्होंने फिर हाँ एक दूसरी बेटी की शादी इन्होंने उससे की थी जो बहुत रिलीजियस माइंडेड थे, हाँ ही बनारस के थे शायद, वो काशी ही धर्म के, सॉरी काशी। नहीं, हाँ एक वो बुक ऐसे में थे आता वो था। नहीं, ही वॉज अ प्रिंसिपल अध्यापक समथिंग, ही वॉज नॉट रिच। वो इतने मतलब बाबा के जो कुल से बाबा का कुल जो था वो बहुत बड़ा था, पर बाबा ने मतलब साधारण व्यक्ति से उनकी बेटी का विवाह कराया था, क्योंकि उनमें जो था वो भक्ति भाव बहुत पूरा था। तो पर वो व्यक्ति में मतलब वो भाई के अंदर वो बहुत ही वो धर्म प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने बाबा ने उनकी पुत्री का वहां पे विवाह कराया ऐसे। जो पुट्टू नाम है ना उनका ऐसे जो लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि बाबा ने सोचा कि निर्मल शांता दादी का भी उन्होंने शादी करवाई, तो वो उन्होंने सोचा था कि उनकी अभी उनको वैसे जाल में ऐसा हुआ, तो दादा ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि उन्हें भी अभी ज्ञान में लाना है, तो ऐसा दूसरी डॉटर के बारे में नहीं सोचा बाबा ने? सोचा ही होगा जी। उनका कुछ उल्लेख नहीं है। ओम शांति। अच्छा बाबा बाबा किसी को मतलब जो स्व इच्छा से आई, निर्मल शांता दादी अपनी स्व इच्छा से आई, बाबा ने ऐसा किसी को कंपल्शन फोर्स किसी को नहीं किए। तो वो दो पुट्टू करके वो बेटी ही बेटी जो बाबा की लौकिक बेटी है उनकी शादी कराई, वो अपने गृहस्थ में वो थे।
करने से। और ऑलराउंडर दादी अपना उनका यशोदा बहन का नाम ऑलराउंडर दादी नहीं है, अपना ऑलराउंडर दादी उनको कहा जाता है, अपना दादी है ना गुलजार दादी की मम्मी को ऑलराउंडर दादी कहते। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, राइट। और आई गेस मैंने ऐसे सुना था कि दे वर नो मोर ना समथिंग, आई गेस जो बेटी और दूसरे थे। हाँ बेटी अभी नहीं है, बेटी नहीं है। हाँ उन्होंने शरीर छोड़ा। हाँ वो तो थे दूसरे को। ठीक है, तो पहला साक्षात्कार कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, बनारस में। बॉम्बे, 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 बॉम्बे तो मुंबई, बॉम्बे। ओके, सो कहाँ हुआ था हम देखते हैं कौन राइट है। हाँ मुंबई में बाबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में रहे सत्संग में हुआ था। अच्छा, सत्संग में आने वाली भाई बहनों को कौन से दिव्य साक्षात्कार होने लगे? कौन से साक्षात्कार होने लगे? सत्युग नारायण दास का, नारायण कृष्ण का, श्री कृष्ण का, और क्या विष्णु का। अच्छा, तो बाबा मतलब आने वाले जो थे सत्संग में तो उनको श्री कृष्ण का, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का, और आने वाली सतयुगी देवी दुनिया का, ऐसे साक्षात्कार होने लगे थे जो भी कोई आते थे सत्संग में। ठीक है, सत्संग का नाम ओम मंडली क्यों पड़ा? बाबा ओम की ध्वनि करते थे इसलिए। और सिर्फ ओम की ध्वनि करते थे इसलिए, और कुछ तो, और उससे उनको साक्षात्कार होते थे। ओके, तो और कोई चांस ट्राई करना चाहते हैं? ध्यान में चले जाते थे। मामा का नाम था ओम राधे, वही नाम में ओम मंडली गढ़ा था। अच्छा, नहीं एक्चुअली स्टार्टिंग का तो जो कहा था कि आत्मा, ओम अनात्मा। हाँ हाँ राइट, तो क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि की जाती थी और उसके अर्थ स्वरूप में स्थित किया जाता था, है ना, प्रैक्टिस आत्मा की बहुत करते थे ना सभी, उस स्वरूप में भी स्थित किया जाता था, इसलिए ओम मंडली नाम पड़ा। बालकों और बालिकाओं को कौन सी शिक्षा दी जाती थी, है ना, बोर्डिंग स्कूल किया था बाबा ने, तो कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी वहां पर बच्चों को? कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी? लौकिक एंड अलौकिक दोनों। हाँ नाइस, लौकिक अलौकिक, और कुछ तो था क्या? बाकी के अनम्यूट कर सकते हैं, स्वयं को और शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कहा था कि अलौकिक और लौकिक विद्या, और उसके साथ साथ सिलाई भी सिखाई जाती थी, लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई सिखाई जाती थी। ओके, अच्छा, रात्रि को सोने समय और सुबह 4:15 कौन से गीत लगते थे? ये तो सबको आना चाहिए। चलो, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर सकते हैं। रात्रि को सोने के समय कौन से गीत लगते थे? सोजा राजकुमार कुमारियां। देखो स्टूड, और सुबह अमृत वेला उठ। अच्छा, उस टाइम पे तो कहा अपने गीत कहा थे ना,
जागो मोहन प्यारे. नाइस नाइस. जागो वाला. तो सोचा राजकुमारी सोचा और सुबह जागो मोहन प्यारे जागो. अच्छा और एक मैच द फॉलोइंग है. अभी गोपी जी कौन थे, बड़ी पुत्री का नाम क्या था, हृदय पुष्पा जी के संदर्भ तो वो क्या है, और दादा कश्मीर कब गए थे, और हृदय मोहिनी जी के बारे में. अभी मैच करना है आपको. मैंने आगे लिखा है कृष्ण का साक्षात्कार प्रकाश जी निर्मल शांता जी. मैं एक शांत स्वरूप वो सुख स्वरूप आत्मा हूँ. July 1936. गोपी किसको कहा जाता था? अच्छा चैट विंडो पे डाल रहे हैं क्या? मनमोहनी दीदी जी को. और सिस्टर यज्ञ में कई नाम बहुत सिमिलर लगते हैं तो कंफ्यूजिंग रहता है. मेरे को मैं वो मन मोहिनी मैंने याद है प्रकाशमणि जी लिखा है. मैं बोले मेरे को बुक में प्रकाशमणि जी दिखा. प्रकाशमणि जी है गोपी को. प्रकाशमणि जी राइट है. हाँ प्रकाशमणि बड़ी दादी. हाँ बड़ी दादी गोपी और प्रकाशमणि जी एक ही नाम उनसे संबोधित ये थे रामा थे. हाँ गोपी मोहन मोहिनी जी का ही नाम है. अच्छा उनका भी नाम है क्या? उनका भी नहीं उनका ही नाम है क्योंकि प्रकाश मोहिनी जी का नाम रमा है. ओके पर बुक में लिखा है. ओके बड़ी दादी और गोपी उनका लौकिक नाम लिखा गया है वहां पे और प्रकाश मोहिनी जी. और बड़ी पुत्री का नाम क्या है बाबा के? निर्मल शांता. हृदय पुष्पा जी क्या कहते हैं एक संदर्भ था उनमें कि मैं शांत स्वरूप सुख स्वरूप. क्या था वो उनके पीछे का ये क्या था स्टोरी, किसी को याद है हृदय पुष्पा जी की स्टोरी? वो कन्या थे फिर उनकी शादी हो गई थी फिर वो विधवा हो गए थे है ना. उनका पति का देहांत हो गया था. हाँ और फिर भाई का भी देहांत हो गया था. राइट राइट. तो मम्मी उनकी वो भी उदास रहती थी दुख में. तो जब भी उनको ज्ञान मिला फिर उनके मम्मी को मिलने के लिए बाबा को बाबा सामने से आए थे. नाइस नाइस गुड. तो साक्षात्कार हुआ था उनको बाबा के अंदर. जी 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 राइट राइट. अच्छा दादा कश्मीर कब गए थे? 19 जुलाई 1936 में. एक ही है ना तो इजी हो जाएगा. और एक रखना चाहिए था ज्यादा हार्ड हो जाता. हृदय मोहिनी जी के बारे में क्या था? कृष्ण का साक्षात्कार. यानी कृष्ण का साक्षात्कार हुआ जी छोटे छोटे. सिस्टर हृदय मोहिनी दादी वो कौन कौन दादी? गुलजार दादी. अच्छा गुलजार दादी ठीक है. आगे बढ़ते देखो सभी ने राइट आंसर्स बोले हैं. दीदी ग्रुप में फिर क्लास मिलेगा क्या? ग्रुप में क्लास फिर से मिलेगा. क्लास मतलब यही जैसे कि प्रवृत्ति मुरली पढ़ी जाती है. रिकॉर्डिंग सब कुछ है. हाँ जी वही पूछ रहे हैं भाई जी. हाँ जी रिकॉर्डिंग सब कुछ. ओके जी ओके ठीक है. तो देखो कि ये अपने पिता माना साकार में तो हमें सब कुछ पता होता है लेकिन आप अगर आपको हम पूछे कि ब्रह्मा बाबा को आपने देखा है क्या? जैसे दादियों ने देखा है लेकिन हमने उनको साकार में नहीं देखा है. इसके लिए हम थोड़ा सा उनकी बायोग्राफी को जानना भी जरूरी पड़ता है. और हमारे यज्ञ के जो वरिष्ठ भाई बहने हैं उनके जिनसे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है. तो आज थोड़ा सा ये भी थॉट आया था
देखो कि हमारे जीवन में हम सब मना इस संघर्ष करके करके ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आगे जाना है इसके लिए हम कुछ देखो कि पहले जमाने में कुछ था ही नहीं, जैसे कि जुम में हम ज्ञान का इतना विस्तार कर रहे हैं, अव्यक्त मुरली है, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा का टाइम था तो आप सोचो ना उस टाइम पे क्या था, केवल एक मुरली थी, वो भी रिकॉर्ड करके कभी आती थी नहीं आती थी उसका। अभी तो ये व्हाट्सएप है, बहुत कुछ हो गया है, आप सबको तो पता ही है, लेकिन उसमें भी ब्रह्मा बाबा ही कहो या सबने को अपना पुरुषार्थ किया है, तो हमें भी ऐसा संघर्ष में जाना बहुत जरूरी है। कई होता है ना, जैसे मैं इस ग्रुप में भी देखता हूँ, ये थोड़ा सा आज थोड़ा सा ये किसलिए बता रहा हूँ कि ग्रुप में भी देखता हूँ कई सारे आत्माएं हैं जो ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं होते, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपना ही ग्रुप है, यहाँ कोई बड़ी बहनें नहीं आती है। देखो वैसा देखा जाए तो मुझे कितने सारे बड़ी बहनों ने बोला है कि हम इस ग्रुप को लेते हैं, हम चलाते हैं, हमारे एक एक बहन मुरली पड़ेगी, वो सब कुछ शेयर करेगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये सब हम करेंगे। तो हमारे मोटिवेशन ये होता है कि सब माताओं ने भी आगे जाना चाहिए, उनको कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि उनको भी कुछ स्टेज देंगे तो बोलेंगे ना, अगर हम उनको स्टेज नहीं देंगे तो ऐसे देखो ना, इसलिए जो भी पार्टिसिपेट करना, कितनी बार होश को बोलना पड़ता है कि आप शेयर करो, तो हमें अंदर से आना चाहिए कि अरे ज्ञान रत्न है, मुझे कम से कम एक बात तो बोलनी है, भले आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, फोन आने के बाद हम बाहर जाकर भी कुछ बातें करते हैं, तो ये भी ऐसा ही है, केवल आपके लिए है। आप सबको तो पता ही है कि ये 5-6 मास मना जून जुलाई तक ये प्रोजेक्ट तो इसका एंडिंग होगा, तो कहने का भाव यही था कि कई लोग ऐसे होते, कई माताओं को मैंने जैसे गांव में गए थे ना, हमने देखा कि कई भाई बहने बोलते कि हम अभी रिटायर हो गए, रिटायर होना माना क्या, वो खुद को भी बोलते कि अभी कुछ इतना काम नहीं होता है, और वो समाज भी उनको उसी तरफ से देखता है, लेकिन मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा कि आफ्टर 60 ईयर्स उन्होंने पुरुषार्थ स्टार्ट किया, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। लोग कहते 60 के बाद हम अभी घर जाना है, घर जाना है, कितनी सारी माताएं बोलती है, अरे घर जाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ तो उतना होना चाहिए, या फिर घर जाकर करोगे क्या, या फिर उधर जाकर फिर वापस आना है। तो कहने का भाव यही है कि ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, स्वयं को मोटिवेशन करना है, और स्वयं आकर उमंग उत्साह में आकर स्वयं के लिए कुछ जिम्मेवारी लेनी। जैसे आपको पता है कि दुनिया में दो लोग कैटेगरी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ मना जो होगा जैसा होगा हो जाएगा, मना होता है ना बाबा का जन ड्रामा में जो होगा वो होगा, तो वैसा नहीं चाहिए। हमको बाबा ने खुद बोला है कि पुरुषार्थ बगैर पानी भी नहीं मिलेगा, तो ये हमारा स्टडी सर्कल है, तो ये किस लिए बना है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट होना। कई भाई बहने होते हैं जो बहुत अच्छी रीति से उसमें योग भी कराते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, और कई थोड़े बहुत होते हैं वो वही उनका पॉइंट शेयरिंग चलता है, बाकी सब उनका कुछ चलता है या कुछ मुझे प्रॉब्लम पता है नहीं, लेकिन कहने का भाव यही है कि थोड़ा सा हमें आगे चलना है, और अंदर से ना सीखने की कला थोड़ा सा ये करो, मना डेवलप करो। जैसे देखो ना, ब्रह्मा बाबा ने 14 सॉरी 12 गुरु किए, क्यों किए, उनके अंदर कितने सीखने की कला थे कि मुझे भगवान को मिलना, मुझे इसी, और गुरुओं को कितना रिस्पेक्ट रखते थे। तो कहने का भाव क्या है कि हर एक से सीखना है, भले हम विज्ञान के युग में है, अभी देखो कि आपने जूम सीख लिया कैसे माइक अनम्यूट करना है, म्यूट करना है, जैसे श्वेता बहन जी है जिन्होंने, उनको हिंदी भी नहीं आती थी, पहले पहले बोलते थे कि मुझे आता है, लेकिन उन्होंने कितना प्रयास करके उन्होंने सीखा भी, और इतनी अच्छी रीति रोज मुरली का मना, किसको कुछ टर्न है क्या है ना, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि ऐसे आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, मुझे स्क्रीन शेयरिंग करना है, कुछ भी हो, इससे आपकी उन्नति हो जाएगी। कुछ सैटरडे होता है कि मुझे कुछ, जैसे अभी स्लाइड शेयर किया तो मैंने साक्षी दीदी ने मुझे बोला कि मुझे करना है, मैं करो क्या, ओके प्लीज गो है ना, हम सबको देखो कि ये ओपन आपको ऑडिट मना स्टेज है, तो इसमें आपके खुद की प्रगति खुद करनी चाहिए, बाकी तो बाकी का कैसे होता है कि बहन बड़ी बहन आती है वो आपको बोला, वो क्लास कराते हैं, हम सुनते हैं जाते हैं, तो
ऐसा नहीं, स्टडी सर्कल माना हम सबको सीखना है, तो सीखने की कला है ना, अंदर से थोड़ा सा और जागृत करो। ऐसे नहीं बाबा की मुरली बहुत पढ़ लिए, बहुत ज्ञान योग हो गया, ऐसा नहीं। हम ब्रह्मा बाप समान कितने तक बने हैं, कभी ये नहीं सोचना कि मैं तो ब्रह्मा बाप बाप समान बन गया, नहीं ऐसा हो तो कभी नहीं। जो दादियों ने तपस्या की, त्याग किया, उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जिन्होंने अपना तन मन समय संकल्प श्वास सबको सफल किया, तो थोड़ा सा अति बोलते ना कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना कि मैं तो हुई ब्रह्मा बाप समान। कई बार होते हैं कि मैं योग भी बहुत अच्छा करता हूँ तो 2 से 5 नहीं, क्वालिटी योग को इम्प्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, 3 घंटे बैठे है नींद में इसमें, तो उसको कुछ फायदा नहीं है। भले बैलेंस रखो अपने नींद का भी उठने का भी, लेकिन सब कुछ करते हुए क्वालिटी को बढ़ाओ, ठीक है ना। एक बात बोल सकते हैं क्या? हाँ जी जी। बाबा की लाइफ हिस्ट्री जो अभी सुन रहे हैं, बाबा ने उस जमाने में 60 साल में शुरू किया था, और आज WHO बोल रहा है कि डेयर टू केयर, वो बोलते हैं एक्टिव एजिंग मेक्स अ डिफरेंस, कि कोई भी जो है ना वो एजिंग अगर लगता है कि 60 साल से जी हम तो बूढ़े हो गए, नहीं, वो बिल्कुल बाबा ने उस जमाने में देखो किया, जो कि आज WHO उसी के बेस पे बना रहा है। WHO ने मेंटल हेल्थ आया, ऑफर योर सर्विसेज योरसेल्फ, मेंटल हेल्थ में कहते हैं अपनी सर्विस खुद दो आप लोगों को, और बाबा ने कितना बड़ा ये सारा ही इसमें वो बता रखा है कि आप सबकी मनसा सेवा, और कौन कौन सी सेवा जो है हड्डी सेवा, कोई भी सेवा नहीं छोड़ी बाबा ने उस जमाने में। अच्छा, तो मेंटल हेल्थ तो अभी आया है, सो इसलिए जो आप ये कह रहे हो कि सबको पार्टिसिपेट करना है, मेरे को भी अभी स्क्रीन शेयर जो है मैं कर सकती हूँ बोलने में भी, पर मुझे लगता है कि जिस दिन आप लोग कहोगे कि आपकी टर्न है, तो हम लोग मतलब रेडी टू कम फॉरवर्ड, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप बता देना जिस दिन भी होगा, ये कुछ घंटे पहले भी पता हो तो मैं तैयारी कर सकती हूँ। ब्रदर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी। जैसे दादियों ने साकार में बाबा को देखा और सब उन्होंने लिया उनसे, और उनका ऑटोमेटिक प्यार हो गया, अभी हमें वो पाना नहीं मिली, तो हम बाबा का वो प्यार कैसे बढ़ाए, कैसे कैसे ले, यू नो? देखो कि 2 प्रकार होता है, कि साकार में देखना माना उन्होंने सिर्फ उनके माना कर्मों को देखा, और कई जन देखो कि उस टाइम पे भी कई बाबा के बच्चे भी उनको छोड़कर चले गए थे ना, लेकिन अभी का जो समय है ना, वो बाबा भी हमारे साथ अभी भी है, बाबा का नेक्स्ट जन्म हुआ नहीं, ये बाबा ने बताया ना, अभी भी सूक्ष्म वतन में बाबा खड़ा है आपको। इसलिए फॉरेन वालों को तो बाबा कितनी बार बाबा के साक्षात्कार होते थे, ऐसे बाबा ने बोला। क्यों? क्योंकि बाबा का प्यार बढ़ाने का एक मतलब होता है कि बाबा से प्यार बढ़ाने, आज भी बाबा का जो वरदान था ना कि ब्रह्मा बाप समान बोल चाल, तो ये बाबा की किताब पढ़ना जो जगदीश भाई ने लिखा है, क्या लिखा है उसमें थोड़ा सा डीप जाना कि बाबा कैसा चलता था, बाबा कैसा ही करता था, सब कुछ दादियों के क्लासेस सुनना, इस जनवरी मास में क्लासेस सुनना कि ब्रह्मा बाबा के ऊपर हमारे पूर्वजों ने कितने सारे क्लासेस किए हैं यज्ञ के इतिहास में, तो ऐसा सुनना ताकि बाबा के प्रति और प्यार बढ़ जाए। और जो कहा ना कि ऐसा मत समझना कि कभी अभी जो हुआ ना कि कभी हम स्वयं को ये समझते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं मिला तो ये नहीं, मुझे सब कुछ मिला है, अभी सब कुछ अवेलेबल है, कि बाबा ने सब कुछ दे भी दिया है, सिर्फ हम क्या करते हैं कि उसको वो बोलते हैं ना साइंस में भी जो कहता है ना कि लेफ्ट जो ब्रेन होता है ना वो एक्टिवेट तब होता है जब हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है, मतलब सीखना मतलब ये नहीं कि ये सब माना इलेक्ट्रॉनिक सीखना है, कुछ और भी ज्ञान योग में भी बहुत कुछ सीखने का है, टोली बनाना, नया कुछ सीखना होता है ना, मुझे पता नहीं, लेकिन आज रंगोली निकालते हैं उसमें भी कुछ नया, ऐसा कुछ कुछ करते चलो ताकि आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि कई ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं ना कि गाँव में गए थे तो माता जी बोले कि नहीं हमको जो हो गया अब
अब घर चलना है। नहीं, ये बातें देखो, ये हमें स्वयं को डिप्रेस करते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना है कि जब हम खुद अगर ऐसे स्वयं को बोल रहे हैं तो उनका कर्म भी वैसा होता है कि जैसे कुछ का रिटायर होते हैं तो उठते कब है, आराम से होते फिर आराम से करते, इससे क्या होता है कि स्वयं को डल होता है और दूसरे लोग भी उसी एंगल से देखते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा के इस मास में हमें देखना कि ब्रह्मा कैसा बैठता था, जैसा शेर बैठता है ऐसा योग में बैठता था। उस उम्र में भी पहाड़ी पर जाता थे, बैडमिंटन खेलते थे, है ना, कभी चश्मा नहीं लगाया, कभी किसका आधार नहीं लिया, काठी नहीं लिया। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इसलिए शेयर किया क्योंकि आप सभी भी स्वयं को थोड़ा सा मोटिवेट करें इस मास में। खुद अपने सेंटर पे नहीं जा रहे, भट्टी नहीं हो रही है तो अपनी खुद की भट्टी खुद करो, देखते से आदमी बन कर रात को जाग कर करो। भले कल संडे है तो 2-3 घंटा, भले आपको दिन भर में डिस्टर्ब हो रहा है तो दिन भर में थोड़ा सा सो जाओ, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक स्वयं को एकांत में चले जाओ और स्वयं की भट्टी स्वयं करो। ऐसा कुछ प्लान बनाओ, पहले आधा मिनट थोड़ा सा, आधा घंटा थोड़ा सा मन इधर उधर भटकेगा, फिर या तो कुछ बोर होगा, फिर आपको स्वयं को पेशेंस रखना, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आपके आपको मन 3 घंटा का ऐसा गए आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो और कुछ का किस क्वेश्चन है? ब्रदर, आपने कहा था यस्टरडे होमवर्क दिया था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे। वो था लेकिन मैंने थोड़ा सा ये आज के पर्डे में बताया, लेकिन ठीक है, हमारे पास हर रोज टाइम होता है ना, कल भी हम उसके ऊपर करेंगे। आप एक दिन और लेना, अगर किसी ने नहीं चिंतन किया होगा कि दुआएं कैसे देनी है लेनी है, तो कल आप उसके ऊपर थोड़ा सा और चिंतन करना। और आपको जो भी कुछ है ना, जो भी पार्टिसिपेट है ना, समझ लो जो भी होस्टिंग करते हैं ना, उनको भी आप मना किसी को कुछ अगर सेवा में भाग लेना है तो बता सकते हैं, या तो मुझे भी आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को कुछ अगर कुछ करना है, कुछ नवीनता दिखानी है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप सबका सहयोग, आप सबका भी, क्योंकि हम क्योंकि क्या होता है कि आप सब जब एक एक टॉपिक लेंगे तो आपको भी देखो कि आपका भी स्टडी बहुत अच्छा होगा। ये होता है कि जब आपको स्टेज पर बिठाया जाए तो आप कितना ये बैठते कि मुझे सब लोग देख रहे हैं, तो ऐसे आप भी आगे जाना। ठीक है, वैसे तो आप पुरुषार्थ करते हैं लेकिन इस मास इस साल में थोड़ा सा एक और धक्का लगना चाहिए कि नहीं मुझे पुरुषार्थ परिवर्तन, जैसे दादी ने कहा ना इस पत्र पुष्प में एक ही बात है, मुझे परिवर्तन, परिवर्तन 3 बार का ये परिवर्तन की धुन लगाओ। ठीक है, अब आज थोड़ा सा बफर डे है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मा बाबा का बुक है ना, तो इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि इसका 2-3 क्वेश्चन पेपर निकाला है। हमें एक सेंटर में भी हमें ऐसे होता है ना कि 100 मार्क का पेपर लेते 3-3 घंटे का, तो ये तो क्वेश्चन पेपर इधर है कि क्या क्या है। तो ऐसे हर साल ये प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट का नाम ही है मुझे भाई बाबा मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा। इसमें जो क्वेश्चन है जो साक्षी दीदी ने बताया, क्योंकि बुक अगर आप पूरा होंगे तब हम आपको ये क्वेश्चन देंगे। बहुत कुछ है इसमें, सत्संग का नाम, ओम मंडली क्यों पड़ा,
जो आपको बाद में हम कभी शेयर करेंगे, लेकिन पहले ये ब्रह्मा बाबा का बुक हम किताब पूरा करते हैं, चाहे इस मास में नहीं हो जाए, लेकिन हम सोच रहे कि भले एक दो मास और लग जाए लेकिन पूरी जीवन कहानी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? ये पार्ट वन है कि पार्ट टू है? दोनों में से एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें से हमने निकाले हैं, लेकिन इसमें से काफी कम है, दोनों पार्ट में से निकाले हैं, पूरा दो बुक का, जिनका स्टडी पूरा हुआ है ना उनका। हम ऐसे स्पर्धा भी लगाते हैं कि अबव 60 मार्क पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे ये भी है ना कि समझ लो, अभी देखो निम्नलिखित वाक्य किसने कहा, क्या मैं भी दान करूंगी, मैं तो माता बहनों का छोटा सेवक हूँ, ऐसे ऐसे है कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ते समय हम ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आता है। भाई ये क्वेश्चन का मिलेगा क्या? क्या क्या? ये जो क्वेश्चन आपने निकाले हैं ये मिलेंगे क्या जो हम इसको? हाँ एक्चुअली क्या होता है कि हम इसको मॉडिफाइड करके बहुत सारे सेंटरों पे भेजते हैं, ताकि मेन दीदियों के इसलिए देते हैं कि वो सेंटरों में क्वेश्चन लेते हैं, बाकी देने का कुछ ये नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा ये नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन सामने रहता है तो उसको फिर और इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि इसका आंसर कहाँ पर है, तो इसलिए मैं हाँ पूछ रही थी। वही बात कर रहा हूँ कि अभी बुक रीडिंग हो रहा है ना, तो आप भी अभी करना, ताकि फाइनल में हम एग्जाम लेंगे, ताकि आपको भी करेगा है ना समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर वो हो रहा है। ठीक है, बाकी सबको पता ही है कि इस जनवरी मास में थोड़ा सा योग के ऊपर और थोड़ा सा अटेंशन देना, भले पर्सनल आपकी बट्टी चालू रखना कहाँ पर भी, 1 घंटा 2 घंटा एकांत में जाना, थोड़ा सा बैठना, कुछ भी हो जाए, कोई आपको कुछ बोले कि ये पागल हो गए क्या ये, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा एकांत जाना है, ये ध्यान में रखना और एकाग्रता का अभ्यास करना। ओके तो थोड़ा सा 5 मिनट हम जो हमारे सॉरी 4 धाम है उसका हम अभ्यास करते हैं। मुझे ले जा रहे हैं इस महकती हुई इन हवाओं के बीच। ओम शांति भवन के सामने मुझे संपूर्ण बनाने के लिए इतना समीप है जो समान बनाने के लिए सर्वशक्तियां बिखेर रहा है। बैठ जाए, टिक जाए, सब भूल जाए, यहां एक बाबा और मैं, कोई नहीं, कोई संकल्प नहीं,
कोई बंधन नहीं। ये रूहानी दृष्टि, ये आनंद भरी सुखद दृष्टि, ये मधुर मिलन मेरे संस्कारों को बाबा के समान बना रहा है। मेरे मन की हर तार एक संग जोड़ रहा है। बुद्धि को शुद्ध, बाबा आपकी आशाओं का स्वरूप देख रही हूं मैं। आईना नजर आता है, ऐसा ही बनना है मुझे, संपूर्ण संपन्न आपके जैसा। आपने तो जैसे मुझे पल में अपने जैसा बना लिया है, ये मेरा सत्य सशक्त स्वरूप, यही तो मेरी इच्छा और तमन्नाओं का स्वरूप है। स्थित हो जाए बाप समान स्वरूप में, संपन्न स्वरूप में। चलो चलते हैं अब स्नेह मिलन के धाम। फूल पत्तियों से सजी इन वादियों के बीच बाबा की कुटिया में कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताए, कुटिया के और जाए तो फूल और लताए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बाबा का ये प्यारा स्वरूप, पिता का वो स्वरूप जो बच्चे को समझता है, मेरे अंतर के छिपे हुए हर दुख हर उदासी को, हर दर्द को बिना शब्दों के महसूस करता है। देखो बिन कहे समझ गया है मेरा पिता मुझे और मेरे अंतर को। बाबा की ये रूहानी प्यार भरी दृष्टि मुझ आत्मा को सशक्त कर रही है, हर उदासी को खुशी में बदल रही है, हर दुख को सुख में
हर नीरसता को आनंद में। संपूर्ण परिवर्तन की ये वेला है, स्नेह मिलन की ये वेला। डूब जाए स्नेह सागर की इन लहरों में, लीन हो जाए इस लव में, भूल जाए संपूर्ण जगत को। अब चले अपने महाधाम की ओर, शांति स्थान। सर्व किरणों से मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। चारों ओर शांति स्तंभ के लिखित शिक्षाओं को इन शिलाओं में दग्ध, इन वचनों को अपने अंतर में धारण कर ले। शांति स्तंभ के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाए। ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्र स्तंभ, अपने जीवन को इन सर्व गुणों और धारणाओं का स्वरूप बना ले। समस्त शक्तियों को धारण कर बाप समान स्थिति को दानी, महादानी, वरदानी आत्मा बनकर
चले अपने चौथे धाम हिस्ट्री हॉल की ओर।